तो गाइस काफी सारे सीरियल्स में या एड्स में आपने ये घर देखा होगा। यहाँ पे हमको पीके सांप दिखे। तो स्वागत है गाइस आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम आ चुके हैं मुंबई फिल्म सिटी, देख रहे हो आप। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से मैं टिकट लेता हूँ फिलहाल। और टिकट का किराया कितना होगा मैं ये आप वीडियो को एंड में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये एंट्रेंस है सर कुछ दादा साहब फाल्के चित्र नगरी। और टिकट लेता हूँ और फिर हम जाएंगे शायद इस बस में। टिकट लेने के बाद पता चलेगा अगर हम इस बस में जाएंगे तो। चलो भाई स्टार्ट करते आज के वीडियो को, निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो गाइस ऐसा कुछ टिकट काउंटर है और यहाँ पे अपन आए और यहाँ पे है ना टिकट का प्राइस भी लगा हुआ है। इंडियन टूरिस्ट 1000 और फॉरेन लोगों के लिए 3000 रुपीज़ है। तो देख रहे हो आप फिल्म सिटी टूर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी है, सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देख रहे हो। और हम लोग भी यहाँ पे वेट करेंगे और जैसे अपनी ये बस निकलती है इसमें जाएंगे या इसकी अगली वाली में जाएंगे अपने को पता नहीं, लेकिन हम वेट करते। मेरे ख्याल से यही बस लेके जाती होगी क्योंकि इसी के ऊपर है ना, ये देख रहे हो पूरा बॉलीवुड थीम पार्क है ना प्रिंट करा हुआ है इसके ऊपर। तो यही बस अपने को लेके जाएगी अंदर की तरफ और फिल्म सिटी घुमाएगी पूरा। तो भाई मज़ा आएगा आज के वीडियो में, जो कोई फिल्म में रुचि लगता है वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे ये बॉलीवुड थीम पार्क, यहाँ पे वेट करने के लिए बनाया गया है लोगों के लिए टिकट निकालने के बाद। और आज का फिल्म सिटी का टूर अपना कैसा रहेगा अपन देखते वीडियो में, किस गाइड के साथ हमें जाने मिलता है, कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है तो अपन देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में मैं इस बस में चढ़ जाऊंगा और फिर अंदर की तरफ हम रवाना हो जाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। हम इंडियन तो आपको पता है फिल्मों के कितने दीवाने होते हैं, एक टाइम खाना कम खाएंगे लेकिन पिक्चर जरूर देखेंगे। तो फिल्म सिटी तो देखना बनता ही है, तो चलो फिर चलते हैं अंदर। ये ऐसा कुछ गाइज यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे पूरा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के चेहरों से इसको सजाया गया है और अंदर बैठने के लिए बनाया हुआ है। और सीधा यहाँ पे अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे टिकट काउंटर है। जैसे बस आएगी वैसे हम बस में जाएंगे और अंदर की तरफ जाएंगे मुंबई सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, मुंबई फिल्म सिटी को अंदर की तरफ हम जाएंगे, रवाना हो जाएंगे मुंबई फिल्म सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखते हैं आज का वीडियो कैसे रहेगा। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस बैठा हूँ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बस आने का। वैसे बस आएगी बस में जाएंगे, 11:30 का टाइमिंग है अपना, यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से बस चलती है। 11:30 का टाइमिंग है अपना बस में आने का, तो वही बस अपने को अंदर की तरफ ले जाएगी। यहाँ पे मतलब एक एक घंटे बाद बसें चलती है इनकी और गाइड्स अलग अलग है। तो हम किस में जाएंगे देखते हैं, इस बस में हम जाएंगे देखते और एंजॉय करते हैं आज के वीडियो। फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं बस के अंदर और अपने को मिला ये ऐसा आई कार्ड और अब यहाँ से बस चल पड़ेगी सीधे जाएंगे अंदर की तरफ। आधा या एक घंटे का वेट करेंगे तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में बस चल पड़ेगी। नमस्कार, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत और वेलकम। मैं हमारे शिंदे स्कूल में गाइड करूंगा। फिल्म सिटी की स्थापना 1977 में हुई, तब से लेके बहुत सारी फिल्मों का टीवी सीरियल यहाँ पे शूटिंग होता आया है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो वीडियो शूटिंग मत कीजिए सर, वीडियो शूटिंग करने के लिए अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी कर सकते हैं। यह हमारा टूर फिल्म सिटी के बारे में जानकारी का टूर है, फिल्म सिटी के दर्शन का टूर है। आज की तारीख में जो भी लोकेशन बनाए जो भी सेट बनाए उसके बारे में गाड़ी में से जानकारी लेंगे। टूर के दरमियान आउटडोर कहीं पर शूटिंग चल रहा है तो गाड़ी में से देखेंगे। अगर आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दोनों नकली पुलिस वाले बन के रोड पे घूम रहे थे, जिस रोड से हम आए हैं जिस रोड से हम जा रहे हैं। अब एपिसोड में देखा तो बहुत ही अलग लगता है। जवान फिल्म देखिए, जवान मिलने के लिए आते हैं, ध्यान से देख लीजिए रोड को। जितनी बार आपने मिलने वाले सीन देखे रोडों पे, इसी रोड पे सीन किए हैं। सामने गार्डन है, गार्डन में सीन करते हैं। खास करके अभी अमेरिका गए मैडम, अमेरिका का सीन आपने देखा होगा, जिस रोड से हमारी गाड़ी जा रही है यहाँ पे अमेरिका दिखाया। बहुत
अभी जो भी लोग देखते हैं एपिसोड पे चल रहा है छाछ पिलाने वाला सीन, कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला सीन, यहाँ पे देखिए और वो कैमरा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो कैमरा बहुत सारा काम कर रहा है। कैमरे बंद हो गए, यही तो साइलेंस तो गाइस यहाँ पे हो रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग। वहाँ पे हम लोग गए तो थे लेकिन वहाँ पे शूटिंग करना मना था, तो बस में से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी वहाँ पे देख नहीं सकते थे, रिस्ट्रिक्शन था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अपन यहाँ से दूर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसा कुछ ग्राउंड्स है और इसके लेफ्ट में ना गोकुलधाम सोसाइटी बनी हुई है और यहाँ पे फिलहाल शूटिंग चल रही है। अब इस लोकेशन से हम लोग आगे बढ़ के देखते भी आगे किस लोकेशन पर लेके जाते हैं। उसी रोड को पाउडर गली कहते हैं, मेन गेट क्या है। अभी हम पाकिस्तान में आए हैं, लेफ्ट साइड देखिए एक छोटा सा ब्रिज है, खंडाला ब्रिज, छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े गाड़ियों को ब्लास्ट किया है। माचिस कोई मिल गया, मदारी कोहराम हो सकती है, नया कुछ तो गड़बड़ है। लाशों को दफनाने के लिए यहाँ पे आते हैं, साउथ इंडिया क्राइम पेट्रोल फिल्मों में, वेब सीरीज में, और बाद में वही लाश रोड पे आएगी, गाड़ी को रोकेगी, भैया वहां तक लिख दे दो। अचानक गाड़ी में जो भूत बनने वाले सीन आप देखते हैं, ध्यान से देख लीजिए रोड को। आने वाले दिनों में स्त्री पार्ट टू, बड़ा फेमस रोड है और जाता है फेमस मंदिर, जब जब मंदिर को देखेंगे तो उसी मंदिर को देखेंगे। तो गाइस काफी सारे सीरियल्स में या एड्स में आपने ये घर देखा होगा, ये घर जहाँ पे एक एड में को याद आता है अक्षय पाजी के ना, यहाँ पे कि नंदू ये फूफू क्या कर रहा है, सैनिटरी पैड की जो एड है ना वो इसी लोकेशन पे हुई है। और ये ऐसा कुछ यहाँ पे वीरान सा मैदान है और यहाँ पे अपनी बस रुकी है। तो ऐसे कुछ दो तीन स्पॉट है जहाँ पे ये फिल्म सिटी वाले रुका थे और जहाँ पे अपन जाके उतर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हालांकि बहुत से जगह पे तो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड भी नहीं है। और यहाँ से ठीक हम राइट की तरफ मुड़ेंगे ना तो यहाँ पे एक है टेम्पल जो आपने काफ़ी सारे सीरियल्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा। तो हम जाते हैं ये इस टेंपल में और ये दुनिया का इकलौता टेंपल ऐसा है जहाँ पे भगवान जी विराजमान नहीं होते। शूटिंग के हिसाब से यहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है जैसे शूटिंग रहेगी वैसे। तो जाते इस मंदिर में अपन और देखते कैसा है ये मंदिर, काफ़ी सारे सीरियल्स में हमने देखा है, काफ़ी सारे पिक्चरों में देखा है, देख रहे हो ना। ओ भाई साहब चलो चलते हैं, वाह ये मंदिर। और यहाँ पे दूर दूर है ना, यहाँ पूरा जंगल सा है, एक्चुअली फिल्म सिटी पूरे जंगल के अंदर ही है, जंगल से ना घिरी हुई है। काफ़ी सारे CID की या फिर और कुछ शूटिंग यहाँ पे चलती रहती है, मूवीज़ की सब कुछ। और टेंपल भाई बढ़िया खास ही लगा, जाके देखते इसके अंदर कैसा है। तो देख रहे हो ये ऐसा टेंपल है। और देखो हम लोग जब सीरियल में या मूवीज में देखते हैं तो इसके अंदर मूर्ति स्थापित कर दी जाती है, ऐसे हमें ये फिल्म सिटी वाले बेवकूफ बनाते हैं। और यहाँ से ऐसा पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो भाई ये एक तौर पे शूटिंग का सेट ही है, समझ रहे हो ना, शूटिंग का सेट ही है। टेम्परेरी होता है यहाँ पे, जैसे शूटिंग हो जाती है मूर्ति को हटाया जाता है। और फिर ऐसे एक दो स्पॉट पे हम लोग यहाँ पे आके रुके और बाकी तो जहाँ पे शूटिंग हो रही थी गोकुलधाम सोसाइटी की, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग हो रही थी लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, दूर से हमें शूटिंग दिखाई, सब कुछ है ये। और यहाँ पे 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे। ऊपर से ऐसा कुछ नज़ारा है और ये सामने वाला घर मैंने जो आपको दिखाया था वो यहाँ से भी दिखता है, इससे भी दिखता है। सही लगा भाई ये टेम्पल। तो गाइस जैसे कि देखा आपने, मैंने आपको ये टेम्पल दिखाया और जो अपना ये सैनिटरी पैड एड जहाँ पे होता है अक्षय पाजी का, बोला
एक शूटिंग का सेट हम लोग ने देखा, लेकिन यहाँ पे बहुत से जगहों पे ये लोग मतलब रुकाते भी नहीं है, शूटिंग सेट दिखाते भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को खुद को अलाउड नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहीं पे लोग विजिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 रुपये देना ठीक है, लेकिन अभी आगे बढ़ने का टाइम आ गया, यहाँ से निकलते। इसी स्पॉट पे उतरे थे हम लोग और 10 मिनट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद निकल रहे हम फिर से बस की तरफ। तो गाइस अपन पहुंच चुके हैं, ये बॉलीवुड थीम पार्क है। अब इसके अंदर जाते हैं, हम इसका एंट्रेंस देखो कुछ इस प्रकार है और इसके अंदर एंट्री मारते अपन, और यहाँ पे कुछ शो होने वाला है छोटा बहुत, उसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। वाओ इट्स वेरी फैंटेब्लस यार, देख रहे हो दीवार पे सारे सेलिब्रिटीज के पिक्चर्स और ऐसा कुछ है ये थीम पार्क। ये कुछ मस्त सा लगा भाई, यहाँ पे होंगे पैसे वसूल। तो यहाँ पे अंदर कुछ शो होने वाला है, जाके देखते ऐसा कुछ बना हुआ है ये, जहाँ पे बस ने हमें उतारा और ये एंट्रेंस था, यहाँ से अपन अंदर जाएंगे अभी। चलो भाई यहाँ पे लेफ्ट में कोई शो होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, इसका है क्रोमा स्टूडियो। तो भाई इसके अंदर जाएंगे और फिल्में कैसी बनती है ये इसमें मेरे ख्याल से बताने की कोशिश करेंगे। वाह एडिटिंग रूम, तो यहाँ तो सारे बैठ गए यार, देख रहे ये मिनी थिएटर की तरह है। बुजुर्गों का कहना है कि दुनिया में काम करो तो वैसा करो, दुनिया वाले खुद कहें वैसा मैं खुद ही कर दूंगा। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि म्यूजिक संगीत कितने लोगों को पसंद है? ग्रेट, यहाँ पे बहुत सारी फोटोज आप देख पा रहे हो, जानते हो सभी को, सभी के सॉन्ग जब आप सुनते हो एक चीज गारंटी कर लीजिए सॉन्ग उतने भी ज्यादा क्लियर नहीं, क्योंकि एनालॉग रिकॉर्डिंग टेक्निक थी 2000 के पहले। लाइव म्यूजिशियंस प्ले करते थे पूरा गाना इमोशंस के साथ बिना गलती के, तभी जाके रिकॉर्ड हो पाता था। तो गाइज ऐसा कुछ था अपना ये क्रोमा स्टूडियो, जहाँ पे काफी कुछ इन लोगों ने दिखाया कि एडिटिंग कैसे होते हैं, म्यूजिक कैसे लगता है, काफी सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पे बताई। और अभी हो गया हमारा दूसरा शो देखने का टाइमिंग, जहाँ पे लाइव शूटिंग होगी थोड़ी बहुत, तो अभी वहाँ पे चलता हूँ मैं। ऐसा कुछ था ये छोटा सा रूम जहाँ पे सब लोगों ने एंजॉय किया, और यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले रूम में जाते हैं, वहाँ पे देखते क्या होता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग रूम भी, एडिटिंग रूम भी, और इस स्क्रीन पे सब कुछ लोगों ने दिखाया यहाँ पे। तो होस्टिंग करने वाले भी 2 लोग आए थे, तो अभी हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और दूसरे रूम में मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे आगे क्या होता है हम रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स गो देयर। और यहाँ पे देख रहे हो आप इस दीवार पे है ना, लगभग काफ़ी सारे पिक्चरों के पोस्टर चिपकाए हुए हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा जेल भी बनाया हुआ है, देख सकते हो आप जेल टाइप बनाया हुआ है, यहाँ पे शूट होता होगा। और यहाँ पे थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज़ के बचपन के फ़ोटो लगाए हुए हैं, गेस कर सकते हो आप, तो गेस करो किस किस के फ़ोटोज है ये, इनके बचपन की तस्वीरें यहाँ पे लगाई हुई है। और यहाँ पे एक बड़ा सा है ना डमरू या ढोल टाइप लगा हुआ है, देख रहे हो ना गाइस। और ये ऊपर जाएंगे तो महल टाइप कुछ बना हुआ है, और ये तो एकदम मौसम ही लग रहा है, ऐसा कुछ नज़ारा आ रहा है यहाँ से। ये ठीक मैं यहाँ पे क्रोमा स्टूडियो के सामने खड़ा हूँ, वाओ वेरी ऑसम। इन लोगों ने मतलब ये थीम पार्क है ना काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है गाइस, यहाँ पे आओगे तो मतलब 1000 रुपये तो वसूल है, आउटडोर से ज़्यादा मुझे इनडोर अच्छा लगा, वर्थ इट है यहाँ पे आना। यहाँ पे हमको पीके साहब दिखे, देख रहे हो आप आमिर खान जी ने जो रोल किया था ना पीके में, बस इस इंसान ने वही गेटअप लिया है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। नाइस, काफ़ी सारे लोग हैं तो अपन बाद में देंगे।
पीके में जिन्होंने रोल किया था ना वैसे ही सेम गेटअप इन्होंने लिया तो जाइए। और एक अभी दूसरे रूम में आए, अभी यहाँ पे क्या शो होगा देखते अपन। सारा क्राउड तो आ चुका है, देख रहे हो अभी सारा क्राउड तो आ चुका है यहाँ पे। अभी इस रूम में क्या दिखाएंगे अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाई स्टार्ट कर जल्दी, भूख लग गई। दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया। तुझे देखा तो ये कीर्तिमान स्थापित किए। अब क्योंकि आप बॉलीवुड पार्क में आ गए हैं, आप भी अब बॉलीवुड का हिस्सा है। क्या पता कल आप में से भी कोई सिनेमा की आकाश गंगा में सितारा बन चमक उठे। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? वाह क्या बात भाई, थोड़ा सा लाइट ऑडियंस पे जलाओ, इतने प्यारे लोग बैठे हैं, मुस्कुराएंगे तो खूबसूरत दिखाई देंगे। वाह क्या बात, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, ऐसा आप मुझे भी कह सकते हो। Of the new musical genre was soul. During the 40s and the 50s, the music industry began to become mainstream and resulted in the introduction of new concept of playback singing. And many renowned playback singers and music directors came to prominence. तो गाइस ऐसा कुछ कंप्लीट हुआ अपना बॉलीवुड शो। पहले हमने अटेंड किया था क्रोमा स्टूडियो, उसके बाद वाला शो था ये बॉलीवुड शो। ये कंप्लीट होने के बाद अभी हम और एक थर्ड शो में जाने वाले, तो यहाँ पे कितना टाइम बीतेगा देखते हैं और आगे चलते हैं। और गाइस इसके बाद हम जाएंगे फाइनली लास्ट वाला राउंड बॉलीवुड थिएटर के अंदर। बॉलीवुड थिएटर के अंदर देखते क्या दिखाते। और यहाँ पे ये कुछ है ना बना हुआ मस्त, यहाँ पे जाएंगे। और भाई यहाँ पे अपनी एक फेवरेट सी देख रहे हो ना, पहिए वाली रिक्शा भी है यहाँ पे, मस्त है। खैर जो भी जाता हूँ अंदर, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाते हैं, और वो थोड़ा बहुत मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गो इनसाइड। तो बॉलीवुड थिएटर में आने के बाद गाइस को जैसा चश्मा दिया जाता है और फ्रंट स्क्रीन पे कुछ शो दिखाया जाएगा। यहाँ पे पीछे से लाइट आ रही तो मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, फिर भी ये गॉगल मिले, अभी देखते आगे क्या दिखाते हैं लोग। ऐसा कुछ थिएटर है छोटा सा और इसके अंदर सीटें लगी है थोड़ी बहुत, और ये येलो गॉगल लगा के हम देखेंगे क्या दिखा रहे हैं लोग। अभी देखता हूँ मैं वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, देखते हाँ मतलब छोटा सा ही था बच्चों जैसा, लेकिन ठीक है, 1000 रुपये वसूले यहाँ पे आने के बाद। ऐसा कुछ ऊपर है बना हुआ और यहाँ से दिखता है नीचे गेम जोन, और ये राइट साइड में बिल्डिंग देख रहे हो छोटी सी। यहाँ पे सारे मतलब स्टूडियो टाइप ही बनाए हुए हैं, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ग्राफिक्स से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। और यहाँ से यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, आप यहाँ पे खा भी सकते हो अंदर आने के बाद। और ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये ऐसा कुछ है अपना मुंबई फिल्म सिटी। लेकिन थीम पार्क अच्छा है, आउटडोर से ज़्यादा आपको इंडोर में मज़ा आएगा, वहीं पे आपके पैसे वसूल होगे। आउटडोर में तो ज़्यादा कुछ देखने मिलेगा नहीं, शूटिंग भी चलती है तो ये लोग वहाँ पे रुकने देते नहीं है, तो इंडोर में आपका पैसा वसूल हो जाएगा, आउटडोर में तो कुछ देखने नहीं मिलेगा। फिर भी वंस यू हैव टू विजिट टू मुंबई फिल्म सिटी, ज़रूर आना गाइस यहाँ पे, और एक बार अपनी मुंबई सिटी को करीब से जानने की कोशिश करना।
भाई झूमर भी ऊपर। तो यहाँ से चलते अपन नीचे और करते फिर इस वीडियो को एंड। तो गाइज ऐसा कुछ था अपना आज का वीडियो जो कि मुंबई फिल्म सिटी से रिलेटेड था। आपको यहाँ पे आना है तो आप आ सकते हो, 1000 रुपीज़ चार्जेस है लेकिन वसूल है। आउटडोर में तो आपको इतना कुछ देखने नहीं मिलेगा, शूटिंग भी नहीं देखने मिलेगी, लोकेशन मोटा मोटी इन लोग ने दिखाया तो दिखा देंगे लेकिन इनडोर में आपका वसूल हो जाएगा। बॉलीवुड थीम पार्क में आप आओगे तो यहाँ आपके 2 से 3 घंटे आप यहाँ पर बिता सकते हो। मुंबई फिल्म सिटी में आने के लिए आप आ सकते हो, गोरेगांव रेलवे स्टेशन करीब पड़ता है, अपनी गाड़ी से भी आते तो ज़्यादा दूर है नहीं। हाईवे से जैसे आप राइट मारोगे, राइट लेकर के अंदर की तरफ 15 मिनट में पहुंच जाओगे, वहीं पे सामने लिखा हुआ है दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी मुंबई फिल्म सिटी। वहीं पे राइट साइड में काउंटर है जहाँ से आप 1000 रुपये की टिकट ले सकते हो और मुंबई फिल्म सिटी को एंजॉय कर सकते हो। सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, सो मुझे लगता है आपको आके यहाँ पे एक बार विजिट करना चाहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके उतना शेयर करना। अपने सभी इंडियन भाइयों को कितनी सारी फिल्मों से लगाव होता है अपने सभी को पता है। हम एक टाइम खाना कम खाएंगे लेकिन मूवी ज़रूर देखने जाएंगे, तो मूवीज़ कैसे बनती है ये आपको फिल्म सिटी में आने के बाद पता चल ही जाएगा। बॉलीवुड वाले हमें कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे शूटिंग होती है, फिर कैसे उसको एडिट किया जाता है, ग्राफिक के थ्रू कैसे दिखाया जाता है, सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर आने के बाद समझ में आ जाएगी। सो वीडियो हो सके उतना शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय। भाई मैं जेल में आ गया, कोई छुड़ाओ मुझे। भाई जेल में आ गया मैं, कोई छुड़ाओ मुझे, कोई तो मेरी जमानत लेने आओ जल्दी से गाइस। मैंने कुछ नहीं कहा साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। देखा ये है फिल्म सिटी का जेल, मस्त है ना।